भारत में इन दिनों कोरोना वायरस लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। इसकी रफ्तार कभी बढ़ गई है तो कभी अचानक से स्लो हो रही है। बीते 24 घंटों की बात करें तो संक्रमण के 16,678 नए मामले दर्ज हुए हैं और 26 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान 14,629 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए हैं। 9 जुलाई को देश भर में 18,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में देश भर में कोरोना की क्या स्थिति होगी और कितने लोगों को अभी तक लग चुका है वैक्सीन। करीब 198 करोड़ लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1,30,713 है। अब तक कोविड संक्रमित होने के कुल 4,29,83,162 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि देश में कोरोना रिकवरी रेट 98.5% है। हालांकि दैनिक सकारात्मकता दर में वृद्धि हुई है और ये 5.99% पहुंच गया है, जबकि देश में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 5,25,454 हो गई है। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए अब तक कुल 198.88 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। देश में अब तक साप्ताहिक कोविड 19 सकारात्मक दर 4.18% है। इन राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित। कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में 80,04,024 मामले रिपोर्ट हो चुके हैं और 1,47,976 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरे नंबर पर केरल है। शनिवार तक आंकड़ों के मुताबिक केरल में अब तक 66,73,029 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 70,150 मरीजों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु 35,01,529 मामले और 38,028 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। तो वहीं कर्नाटक में 39,79,021 मामले और 40,081 मौतों के साथ चौथे स्थान पर है। देश में तेजी से क्यों फैल रहा है ओमिक्रॉन BA.5? ओमिक्रॉन का सब वेरियंट BA.5 यूरोप और अमेरिका समेत कई देशों में तेजी से फैल रहा है। कोरोना के ज्यादातर मामले BA.5 देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ एक बड़ी समस्या है, इन्फेक्शन के बाद BA.5 कुछ हफ्तों के अंदर दोबारा संक्रमित कर सकता है। इस तरह संक्रमित होने पर लोग एक ही महीने में फिर से बीमार पड़ सकते हैं। भारत में कोरोना वायरस तेजी से इसलिए भी फैल रहा है क्योंकि कोरोना को लेकर एहतियात में कमी आई है। तमाम तरह की बंदिशें हटा दी गई हैं। एयर ट्रेवल करीब करीब कोरोना के पहले स्तर पर पहुंच चुका है। साथ ही लोगों ने भी मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना छोड़ दिया है। तो ये थी कोरोना से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर बताइए। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।